वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो 1.90 पे यहाँ पे आप देख सकते कि क्लोजिंग दे चुका था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक। मीन्स तकरीबन देख सकते कि 1.46% अप क्लोजिंग दे आज फिर से एक बार, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे की जाए तो 130 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल थी। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 129.90 थी, आज ओपन हुआ था स्टॉक 130 के ऊपर। 130 के ऊपर ओपन होने के बावजूद यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है, उसी का सपोर्ट लेके आज देख सकते कि ऊपर क्लोजिंग दे चुका है आज। मीन्स आज का हाई 133 का भी बना चुका है स्टॉक। मार्केट कैप देख सकते कि 5.92,000 करोड़ की है, तकरीबन 6,000 करोड़ तक चली गई है। पी रेशियो देखी जाए तो देख सकते कि 4.99 का है, जो कि अच्छा पी रेशियो अभी भी देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे पिछले 5 दिनों की मोमेंटम देखी जाए इंडिया बुल्स की तो देख सकते कि 3% तक तेजी देखने को मिले। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, उसके पहले वॉल्यूम देखा जाए आज के दिन का तो देख सकते टोटली 98 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है इंडिया बुल हाउसिंग में। ट्रेडेड वॉल्यूम 98 लाख का है, तो ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ वैल्यू भी देखी जाए तो 13,030 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते कि बाकी के जो डिटेल है इंडिया चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, जैसे देख सकते लास्ट मंथ में तो 2400 मूवमेंट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर पन लास्ट ट्रेंडिंग में, तो रिसेंटली इस मंथ के स्टार्टिंग में देख सकते थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। 130 के ऊपर क्लोजिंग तो दे चुका है, तो इजीली यहाँ पे 140 तक जा सकता है स्टॉक, जहाँ पे अगला रजिस्टेंस लग सकता है। ब्लू कलर का जो लाइन है यहाँ पे देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज है, जो कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए।